टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, और स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड में भी अपन डिस्कस करेंगे आयोनिक सॉलिड के बारे में। तो मैंने क्या बोला, हमें डिस्कस करना है स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक सॉलिड। इससे पहले क्या पढ़ चुके थे लास्ट लेक्चर में, टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में मैंने बताया था, और दूसरा टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम के बारे में बताया था। ये दोनों पार्ट में ए बी सी के बीच का रिलेशन बताया था, 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम थे, और टाइप्स ऑफ सॉलिड में मैंने मॉलिक्यूलर सॉलिड ऐसे क्लासिफिकेशंस कराया था, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड, तो वो तुम्हें ध्यान में रखना है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक रहता है स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक सॉलिड। कुछ सॉलिड जो है उसमें अपन मेनली डिस्कस क्या करेंगे, आयोनिक सॉलिड के बारे में डिस्कस करेंगे। आयोनिक सॉलिड के बारे में कोवेलेंट सॉलिड इतना कुछ डिस्कस करना नहीं है। आयोनिक सॉलिड तुम्हें याद रखना है वो कौन कौन से आयोनिक सॉलिड है वो अपन डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट आयोनिक सॉलिड है, टॉपिक क्या है हमारा, ये लिख देता हूं मैं, स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक सॉलिड्स। ये हमारा टॉपिक है बच्चों, और आयोनिक सॉलिड में भी अपन पहला सॉलिड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉलिड है उनको कौन सा पढ़ेंगे, NaCl। जो हमारा सॉलिड है NaCl का वो अपना फर्स्ट सॉलिड अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाई अभी इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम में, तुम्हें स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक सॉलिड से ना तुम याद रखना कि एग्जाम में ना क्या लिखेंगे, अ सॉलिड विच हैज अरेंजमेंट सिमिलर टू NaCl, ऐसा लिखेंगे। मीन्स एक हाइपोथेटिकल सॉलिड बोलेंगे, अ हाइपोथेटिकल सॉलिड AB टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, AB, A फॉर कैटाइन, B फॉर एनाइन, जैसे Na है और Cl है, और विच हैज सिमिलर स्ट्रक्चर टू NaCl, मीन्स NaCl के जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर है। इसका मतलब तुम्हें NaCl के बारे में पता होना चाहिए, तभी तुम इस AB टाइप के सॉलिड के बारे में पता कर पाओगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पहले इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। तो मैंने क्या बोला, अगर ये सॉलिड है बच्चों, सुनना, अगर ये सॉलिड है तो यानी इनका कुछ अरेंजमेंट होगा ना, SCC में अरेंज होगा, या BCC में अरेंज होगा, या FCC में अरेंज होगा, या हेक्सागोनल क्रिस्टल पैक्ड होगा। मिस ऐसा मैंने तुम्हें अभी तक जो भी पढ़ाया है ना सब कुछ याद रखना है, तभी तुम्हारा ये हो पाएगा। ये पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि तुम्हें FCC का नॉलेज नहीं था, SCC BCC का नॉलेज नहीं था, तो इसलिए अपन लोगों ने पहले वो पढ़ा था। देन अपन स्टार्ट क्या कर रहे हैं, आयोनिक सॉलिड का स्ट्रक्चर, मीन्स NA, यहाँ आयोनिक सॉलिड किससे बना है तुम खुद बता सकते हो ना, NaCl कैसे बना होगा, सोडियम Na प्लस प्लस Cl माइनस सिस बना होगा ना NaCl, यानी अपने पास इस NaCl के अंदर ये कैटायन है बच्चों और ये अनायन है, इनका कुछ अरेंजमेंट होगा ना सॉलिड के अंदर, और इस सॉलिड के अंदर मींस इनका क्यूबिक क्रिस्टल पैक भी स्ट्रक्चर है या हेक्सागोनल है। तो पहले ये ध्यान में रखना है कि NaCl का अरेंजमेंट है क्यूबिक क्रिस्टल पैक स्ट्रक्चर, मींस क्यूब वाला अरेंजमेंट होगा। सेकेंड, अब उसमें भी ये क्या है, SCC टाइप का है या BCC का है या FCC का है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि इनका अरेंजमेंट जो होता है वो NaCl का FCC अरेंजमेंट होता है, मींस फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम टाइप ऑफ अरेंजमेंट होता है। क्या बोला, दो पॉइंट बताओ ध्यान में रखने वाला, क्या बोला NaCl के बारे में, NaCl में का अरेंजमेंट कैसा होता है, FCC अरेंजमेंट, ठीक है। इसमें दो, एक कैटायन है Na प्लस और एक अनायन है Cl माइनस, ऑब्वियस है तुम्हारे पास अनायन होगा कैटायन होगा। याद करो मैंने कुछ बताया था, जब भी कैटायन अनायन की बात करेंगे, जब भी बच्चों कैटायन और अनायन की बात करेंगे, तो मुझे ये सोचना होगा कि कैटायन को कहां रखना चाहूंगा मैं, वॉइड्स के अंदर, क्योंकि वॉइड्स स्मॉल स्पेस होता है, और उस स्मॉल स्पेस में अपन क्या रखना चाहेंगे, कैटायन्स को रखना चाहेंगे, क्योंकि कैटायन्स छोटा होता है, स्मॉल साइज का होता है, ठीक है। अनायंस को ऑलवेज अपन लार्ज साइज वाले लार्ज कॉर्नर पे अरेंज कर सकते हैं या सेंटर पे अरेंज कर सकते हैं, लेकिन जहां भी वॉइड्स क्रिएट होगा उस वॉइड्स के अंदर अपन कैटायंस को मैक्सिमम टाइम में रखेंगे। क्लियर है सबको ये बात। तो क्या बोला मैंने पहले, NaCl अपने पास एक आयोनिक सॉलिड है जिनका स्ट्रक्चर अपने को पढ़ना है, और मैंने ये बोला कि NaCl में कैटायन Na प्लस है, अनायन Cl माइनस है, तो Cl माइनस जो अरेंज होता है वो कॉर्नर्स पे अरेंज होता है। मैं ये बता रहा हूं जो कि तुम्हें याद रखना है, क्या बोल रहा हूं मैं, Cl माइनस बच्चों कॉर्नर्स पे अरेंज होता है प्लस फेस सेंटर पे अरेंज होता है। तो मैं क्या बोलूं, अभी अपने को क्या देखना है कि यहां जो Cl माइनस है बच्चों वो कहां पे अरेंज है, इन FCC पे अरेंज है, और FCC का मतलब मैंने क्या बताया अभी, कॉर्नर्स पे, FCC का मतलब क्या होता है, कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर पे, क्लियर है, ऐसा अरेंजमेंट है कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर पे। सेकेंड, Na प्लस कहां पे अरेंज होगा, तो सेकेंड अरेंजमेंट है Na प्लस कहां होगा, कैटायन कहां होगा, कैटायन होता है इन ऑल द
ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्या बोला मैंने, इन ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, जितने भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे उन सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में बच्चों क्या अरेंज होगा, एन ए प्लस होगा। ठीक है, ये अरेंजमेंट। तो फर्स्ट अपने को क्या पूछा मैंने, ये फर्स्ट टॉपिक हो गया जो अपने को याद रखना है कि NaCl का अरेंजमेंट में Cl माइनस FCC में अरेंज होता है, यानी कॉर्नर्स और फेस सेंटर पे अरेंज होता है, और सेकंड Na प्लस कहां अरेंज होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अरेंज होता है। तो तुम कुछ स्ट्रक्चर जान पाओगे कैसा टाइप का होगा इसका, कुछ यहां पे बताओ। मैंने अगर कुछ यहां पे लिखा तो तुम खुद सोचो कि NaCl के कॉर्नर पे ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, एक फेस लिया है, एक फेस लिया जिसमें कॉर्नर पे, ये ऑब्वियस है। कॉर्नर्स और फेस सेंटर पे क्या अरेंज है, Cl माइनस, तो अपना Cl माइनस ये है, ये भी Cl माइनस है बच्चों, ये भी Cl माइनस है, नेक्स्ट ये भी Cl माइनस है और ये भी Cl माइनस है। ठीक है, दो। अब अपने पास क्या होगा, पहले तो मुझे ये याद रखना होगा कि Cl माइनस फेस सेंटर पे भी है, तो अपना फेस सेंटर एटम कौन सा है, ये फेस सेंटर है, याद आ रहा है सबको, और ये भी Cl माइनस है। ठीक है, मैंने बस दिखाने के लिए बोला कि ये फेस के सेंटर पे भी क्या है, अपना Cl माइनस, तो अपन ने अरेंज कर दिया, एक फेस लिया जिसमें कॉर्नर्स पे Cl माइनस है और फेस के सेंटर पे FCl माइनस है। ठीक है, सेकंड पॉइंट अपन क्या डिस्कस करेंगे, वन मिनट। हाँ, सेकंड पॉइंट अपन क्या डिस्कस करेंगे बच्चों, कि यहां पर Na प्लस कहां दिखेगा, तो याद करो Na प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, और तुम्हें याद आ रहा है कि FCC में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां अरेंज होते हैं, लास्ट टू लास्ट लेक्चर मैंने बताया था वॉइड्स का सेकंड पार्ट, वॉइड्स मैंने दो पार्ट बताया था, वॉइड्स वन और वॉइड्स टू, और वॉइड्स टू तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज 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 वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड का वीडियो देखो अच्छे से, समझ में आ रहा है, दो बार देखो तीन बार देखो तभी तुम्हें वो क्लियर होगा, सबको अच्छे से तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, समझ में आ रहा है क्या। तो मैंने क्या बोला कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में थोड़ा अगर डिस्कस करें, तो अपन लिखाए थे इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड में बच्चों क्या बताया था मैंने, कुछ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पे अरेंज होता है, एज के सेंटर पे होता है, एज सेंटर पे रहता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, प्लस बॉडी सेंटर पे होता है, याद आ रहा है किसी को, एज सेंटर पे होता है और बॉडी सेंटर पे होता है। तो एज का सेंटर क्या है, देखो एज सेंटर दिख रहा है क्या तुम्हें, हाँ दिख तो रहना चाहिए, ये एज सेंटर है, यानी ये छोटा स्पेस दिख रहा है, ये वॉइड्स है, और यहां पर क्या है Na प्लस है, ये भी वॉइड्स है Na प्लस है, ये भी वॉइड्स है Na प्लस है, ये भी वॉइड्स है Na प्लस है, समझ में आ रहा है क्या। तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है, तो मैंने ये तुम्हें ये एक फेस बताया, ऑब्वियस इसके ऊपर एक और फेस होगा, ठीक है, और ऐसा कुछ होगा, क्यूबिक अरेंजमेंट होगा ना, तो उनके पास भी सेम ऐसा अरेंजमेंट होगा, जो तुम्हें मैं बता नहीं सकता हूं यहां पर 2D अरेंजमेंट में, ऐसा नहीं दिखा सकता, लेकिन तुम एक फेस को देख रहे हो तो तुम्हारा एक माइंड में क्लियर इमेज बन पा रहा होगा कि हाँ सर कॉर्नर्स पे तो अपना अरेंज होगा Cl माइनस एटम, और जो एक कॉर्नर वाला लाइन है एज जो है उस एज के सेंटर पे अपना Na प्लस एटम होगा, क्लियर है सबको, यानी कैसा है Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस फिर Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, क्लियर है सबको। कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से, सबको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, आगे बढ़े, आगे देखते हैं अब क्या होना चाहिए। मैंने ये बता दिया कि हाँ Cl माइनस FCC में अरेंज है, और अब बताओ कि अगर FCC में मैंने बोला अरेंज है तो FCC में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, कॉर्नर्स पे अगर तुम बात करो तो कॉर्नर्स का 1/8 होता है कॉन्ट्रीब्यूशन, और ऐसे कॉर्नर्स क्यूब के अंदर कितने होते हैं 8, प्लस फेस सेंटर कितना होता है कॉन्ट्रीब्यूशन हाफ होता है, फेस के सेंटर पे है तो हाफ, क्योंकि एक हाफ उस साइड एक पीछे एक आगे हाफ, और ऐसे फेस अपने पास क्यूब में 6 होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास कितने Cl माइनस एटम्स हो गए हैं, 4 Cl माइनस, इफेक्टिव नंबर ऑफ Cl माइनस एटम इन अ सिंगल यूनिट सेल इज इक्वल टू 4, क्लियर है सबको, इफेक्टिव नंबर ऑफ Cl माइनस एटम इन अ सिंगल यूनिट सेल बच्चों क्या होगा 4 होगा। ठीक है, अब अपन देखते आगे क्या है, इन ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, Na प्लस कहां पे है, ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बच्चे कहां पे है देख लो, एज सेंटर पे और बॉडी सेंटर पे, बॉडी सेंटर का मतलब समझ में आ रहा है क्या, तुम्हारे पास वो जो वॉइड्स के बॉडी सेंटर, यहां पे जो क्यूब होगा ना, अगर मैं ऐसा क्यूब बनाऊं तो एज के सेंटर पे तो है ही बच्चों, प्लस बीच में बॉडी सेंटर पे भी कौन सा एटम है, Na प्लस है, क्लियर है सबको, एज सेंटर प्लस बॉडी सेंटर, तो एज सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एज सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4 होता है, और ऐसे एज अपने पास 12 एजेस हैं,
तो 1/4 × 12 अब प्लस कंप्लीट बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन, तो सिंगल एक अंदर एनी प्लस कंप्लीट एनी प्लस होगा ना, तो 1 तो इज इक्वल टू 4। तो कितने एनी प्लस एटम हो गए, 4, 4 सीएल माइनस एटम हो गए। इस बेसिस पे अपन एक पॉइंट टू डिस्कस यहां पे कर सकते हैं कि हमारे पास एनी प्लस एटम इसलिए क्या आया 4, सीएल माइनस एटम 4, दैट्स व्हाई अपन इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखते हैं अब इसे तोड़ करके, सॉरी स्मॉल एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या लिखोगे, 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो NaCl फॉर्मूला है। देखो अब इसी बेसिस पे अपन जो भी आयनिक सॉलिड होते हैं ना बच्चों, उनका अरेंजमेंट अपन डिसाइड करते हैं। कोई सा सॉलिड मान लो क्या है कि CaF2, मैंने बोला मान लो MgCl2 है, NaCl है, LiCl है, BeCl2 है, समझ में आ रहा है, तो Cl डबल 2 है, Be1 है, यानी अरेंजमेंट में वो BeCl2 क्यों आया, क्योंकि Cl जो एक सॉलिड के अंदर जो Be होगा अगर 1 होगा तो 2 Cl कवर करेगा। क्लियर है सबको, कितना Cl कवर करेगा बच्चों, 2 Cl करेगा। तो यहां पे 4 Na प्लस है और 4 Cl माइनस है, तो Na4 Cl4, समझ में आ रहा है क्या, तो NaCl कंप्लीट ऐसा यानी फॉर्मूला है NaCl सॉलिड का, NaCl ही फॉर्मूला क्यों है वो मैंने तुम्हें यहां पे प्रूफ करके बताया। क्लियर है सबको, नेक्स्ट नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके बाद क्या होना चाहिए इसके बाद का NaCl में। ये तो हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अगर तुमसे पूछे NaCl जो आयनिक सॉलिड है उनमें सोडियम एटम कहां प्रेजेंट होता है, Na+ जो कैटाइन होता है वो कहां प्रेजेंट होता है, तो क्या बोलोगे आंसर, इन ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑफ FCC, FCC के ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे अरेंज होता है। अगर तुमसे पूछे कि कितने Cl- एटम होते हैं तो तुम बोलोगे 4 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जितने भी Cl- एटम है वो कहां पे अरेंज है, फेस सेंटर क्यूब फेस सेंटर पे और कॉर्नर्स पे अरेंज है। ठीक है, क्लियर है सबको, यह मैं बोल दूं समझ में आ गया सबको। अपने पास सेकेंड क्वेश्चन आता है क्या, सेकेंड फर्स्ट तो ये हो गया कि Na+ और Cl- कहां पे अरेंज है, सेकेंड क्वेश्चन ये आता है, ये फर्स्ट था और ये सेकेंड है, मैं सेकेंड इस साइड लिख रहा हूं, रिलेशन बिटवीन आर रेडियस ऑफ कैटाइन, RNa+ लिख रहा हूं, रेडियस ऑफ कैटाइन को RNa+ लिख रहा हूं, रेडियस ऑफ अनाइन RCl- एंड एज लेंथ ए। तो NaCl में क्या रिलेशन है, NaCl में बच्चों क्या रिलेशन है, रेडियस ऑफ Na+, रेडियस ऑफ Cl- एंड ए। तो तुम एक लाइन कोई सा भी ले लो, ये एक एज लेंथ ए टू बी ले लिया, इस ए टू बी को मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ए टू बी है अपना, ठीक। अब देखो तुम बताओ कि ए तो क्या है अपना, कॉर्नर है ये तो बच्चों, कॉर्नर है ना, तो कॉर्नर पे कौन सा एटम है, कॉर्नर पे तो अपना Cl- एटम है भाई, ये Cl- एटम है और ये भी Cl- एटम है, सर ने भी बोला है कॉर्नर पे तो Cl- एटम होता है। अब तुम बोलोगे सर Na+ कहां पे, Na+ तो अपना एज के सेंटर पे, ये अपना Na+ हो गया, और ये जो क्या है, ये रेडियस ऑफ Cl- है ना, और ये रेडियस ऑफ Na+ हो जाएगा, बताओ ऐसा होगा ना, और फिर ये रेडियस ऑफ Cl-, और अगर मैं यहां से यहां तक का जो लेंथ बोलू यही तो एज लेंथ है, ए इज इक्वल टू एज लेंथ। अब तुम रिलेशन बना सकते हो क्या बच्चों, बताओ, RCl- प्लस RNa+ फिर प्लस RNa+, क्यों लिखा, क्योंकि ये दो RNa+ हो गया ना, 1 RNa+ 1 RNa+, RCl- RCl-, तो क्या लिख सकते हो बच्चों, बताओ क्या लिख सकते हो इसके अकॉर्डिंग, RNa+ 2 RNa+, RNa+ + RNa+ प्लस 2 RCl-, ठीक है, ए टू बी के लिए RCl- इसके लिए, RCl- इसके लिए, तो 2 RCl-, Cl- का रेडियस है, इज इक्वल टू कंप्लीट ए लिखोगे, बताओ ए लिखोगे कि नहीं, और अगर ए लिखा तो अब क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू, सॉरी ऐसे लिख देते हैं, अगर तुमने इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, RNa+ प्लस RCl- इज इक्वल टू ए बाई 2। ये रिलेशन तुम्हें एक NaCl टाइप के सॉलिड में अप्लाई करना है, मींस तुम्हें क्या क्वेश्चन लिख करके देंगे, एक सॉलिड है जो AB टाइप ऑफ अरेंजमेंट है जिसका, और AB टाइप ऑफ अरेंजमेंट वो सिमिलर स्ट्रक्चर है आयनिक सॉलिड NaCl के जैसा, मींस AB टाइप ऑफ सॉलिड का स्ट्रक्चर NaCl के जैसा मैच करता है, तो तुम उसमें ये फॉर्मूला लिख सकते हो कि रेडियस ऑफ कैटाइन A+ प्लस रेडियस ऑफ अनाइन B- इज इक्वल टू A/2। तो तुमसे कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, रेडियस ऑफ कैटाइन बोलो, अनाइन दिया रहेगा, एज लेंथ दिया रहेगा,
सिंपल सा नहीं होगा फॉर्मूला, बताओ इसमें कुछ भी पूछे और दो दिया है और एक तीसरा डेटा पूछे तो तुम बता सकते हो ना, समझ में आ रहा है क्या? तो ये एग्जाम में बहुत बार आता है, बहुत बार एनएसीएल से रिलेटेड स्ट्रक्चर। एक पॉइंट और मैं बताना भूल गया कि अपन एनएसीएल को रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं, कभी कभी ये नेम पे भी आ जाता है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर दो पॉइंट क्लियर होना चाहिए, सब बच्चों को पता होना चाहिए, आर एन ए प्लस प्लस आर सी एल माइनस इज इक्वल टू ए बाई टू एनएसीएल के लिए। एनएसीएल में सोडियम एटम कहां अरेंज होता है, इन क्यूबिक क्लोज पैक के स्ट्रक्चर में एन ए प्लस होता है, जितने भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, हर ऑक्टाहेड्रल वॉइड मीन्स एज सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड है और अपने पास बॉडी सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, तो इन दोनों पे अरेंज होगा। सेकंड, अपना जो सीएल माइनस एटम होगा वो कहां पे अरेंज होगा, एफसीसी में अरेंज होगा, और एफसीसी बोलने का मतलब क्या है, कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर, तो कॉर्नर्स और फेस सेंटर दोनों पे क्या प्रेजेंट है, सीएल माइनस, और उसके बेसिस पे सीएल माइनस अपने पास चार हो जाएंगे और एन ए प्लस भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो चार ही होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स जितना होता है एफसीसी में उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, तो एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स चार है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड चार है, मैंने पहले से सिखाया तुम्हें, समझ में आ रहा है ना सबको। तो इस बेसिस पे एन ए फोर सी एल फोर आता है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला एनएसीएल आता है, तो इसलिए इनका स्ट्रक्चर एनएसीएल का स्ट्रक्चर जो होता है एनएसीएल, क्लियर है। सेकेंड ये रेडियस का रिलेशन, ओके। अब अपना थर्ड क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। हाँ बच्चों, अभी थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन एन ए प्लस आयन और सी एल माइनस आयन का क्वेश्चन पूछता है। मीन्स क्या पूछेंगे तुमसे, कोऑर्डिनेशन नंबर, क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा ये अपना थर्ड क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन सी एन फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सी एल माइनस आयन और एन ए प्लस आयन, ये थर्ड क्वेश्चन है। सीएल माइनस आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या, कैसे फाइंड आउट करोगे और एन ए प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे। अब यहाँ ट्रिक समझना है, यहाँ पे कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो मैं सिखाऊ वो तुम्हें करना है। क्या बोलू मैं कि तुम अगर, क्योंकि तुम अपना दिमाग लगाओगे तो क्या गलत करोगे, यहाँ पे तुम बोलोगे कि सर सीएल माइनस एफसीसी पे अरेंज है, फेस सेंटर क्यूबिक अरेंजमेंट है, और सीएल अगर एफसीसी में अरेंज होता है कोई सा एटम तो अपन उसको क्या बोलते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोलते हैं, 12, एफसीसी में 12 होता है। फिर बोलोगे सर एन ए प्लस तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, सॉरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे जब एटम अरेंज होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है, सबने सिखाया है, ट्राई याद करो, ट्राइगोनल में 3 था, टेट्राहेड्रल में 4 था कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्टाहेड्रल में 6 था, तो ऑक्टाहेड्रल तो इनका यानी 12 हो जाएगा, इसका 6 होगा क्या, वो रॉन्ग होगा। तो तुम्हारा उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तुम करोगे तो रॉन्ग होगा। अब मैं यहां तुम्हें थोड़ा ट्रिक बता रहा हूं, क्या करोगे, तुम्हारे पास अरेंजमेंट अगर एग्जाम में आना होगा, तीन टाइप के अरेंजमेंट आते हैं, ठीक है, मतलब तीन टाइप के अरेंजमेंट वाले फॉर्मूला वाले कंपाउंड आते हैं, आयनिक सॉलिड एक्स वाई टाइप के हो सकते हैं, जैसे एनएसीएल है, एक्स एन है, वाई सी एल है, एक्स वाई टू टाइप के कंपाउंड होंगे लाइक बीई एम जी सी एल टू बीई सी एल टू, तो एक्स बीई है और सी एल वाई है, लाइक सी ए एफ टू होगा कैल्सियम फ्लोराइड, तो क्या बोलोगे इसे, एक्स वाई टू टाइप का है लाइक एन ए टू होगा, तो ऐसा होगा एक्स टू वाई, तो अपने पास एग्जाम में ये तीन टाइप के ही आ सकते हैं। अब यहां समझना क्या बता रहा हूं मैं, जो बता रहा हूं जैसे बता रहा हूं वैसे ही तुम्हें सोचना है। क्या बोला कि एक्स वाई है वन वन, दोनों वन वन है, एक्स वन वाई टू है, देन एक्स टू वाई वन है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि तुम्हें कोऑर्डिनेशन नंबर किसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है, तुम्हें कोऑर्डिनेशन नंबर वॉइड के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है, दूसरा जो मीन्स के टाइम के अकॉर्डिंग, जहां पर वॉइड अरेंज हो गए उसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या बोला कि x अगर मान लिया na है और y मान लिया cl- है, ठीक है, तो na प्लस कहां पे है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है, ऐसा सबने सिखाया। क्या बोला मैंने, तुम्हें वॉइड के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना है, और वॉइड के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर अगर nacl का फाइंड करने में चलू तो na कहां पे है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ऐसा मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में वॉइड 1 में कराया है, ठीक है, लेक्चर नंबर 7 वॉइड का वीडियो देखोगे, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। नेक्स्ट, अब तुम बोलोगे सर सीएल माइनस कैसे करेंगे, तो यहां पे पहले फॉर्मूला देखना पड़ेगा, एनएसीएल का फॉर्मूला एनए वन है और सीएल वन है, यानी जो आएगा तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर एनए का वही कोऑर्डिनेशन नंबर सीएल माइनस का आएगा, मीन्स अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर एक्स है तो इसका भी एक्स होगा, क्लियर है। तो इसीलिए तुम कोऑर्डिनेशन नंबर एनए का कैसे करोगे फाइंड आउट, एनए ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होगा, 6 होगा, और क्योंकि एनए सीएल का जो स्ट्रक्चर है 1 1 है तो अपन इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर एनए प्लस का आएगा वही सीएल का होगा, तो अपन क्या लिखेंगे, 6।
दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर एग्जाम में आए तो क्या बोलोगे? 6 6। कंफ्यूज नहीं होना है, फर्स्ट ऑप्शन में ये एमसीक्यू में एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन में क्या रहता है? सीएल माइनस का रहता है 12, क्योंकि एफसीसी में अरेंज रहता है, सब बच्चों को ये याद रहता है। क्लियर है सबको? तो यहां 12 नहीं करना है, 6 करना है। सेकेंड, अपने पास अगर दूसरा टाइप का कंपाउंड आ गया ऐसा, एक मिनट, दूसरा टाइप का कंपाउंड कैसा आ गया? X1Y2 टाइप का कंपाउंड। तो अपन पहले X1Y2 का डिस्कस करते हैं। पहले X1Y2, तो सोचना Y का मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट कर लिया। मान लो Y का कोऑर्डिनेशन नंबर वॉइड है, Y जो है वो वॉइड है, और इनका कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने वॉइड के अकॉर्डिंग बोला 6 है। मान लिया, एक समझते हैं, आगे देखेंगे, वो अप्लाई करेंगे। तो अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों 6 है, तो सोचो कि X का क्या होगा? सब बच्चे बोलेंगे सर इसका 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 1 था, सेम होगा, तो ये तो डबल है, ये 2 है, तो X1 है। तुम्हें ऐसा लिखना है, X is equal to 2Y, ऐसा लिखोगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल होने चाहिए। 1X is equal to 2Y, इसका मतलब क्या लिख सकते हो? X is double of Y, means जो X का वैल्यू है वो Y के 2 टाइम्स है। ऐसा मैं बता रहा हूं, ये ट्रिक है बच्चों, ऊपर ही लिख देता हूं, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ट्रिक है, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। तो एक्स इज डबल ऑफ वाई, XY2 लिखा हुआ है, 1X लिखोगे 2Y लिखोगे, तो X इज डबल ऑफ Y, इसका मतलब क्या हुआ? जो Y का कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, X उसका डबल होगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 2 × 6 = 12। समझ में आया क्या? चलो नहीं समझ में आया, फिर देखते दूसरा, X2Y का देख लेते एक बार। ये सारा मैं यहां से यहां तक बता रहा हूं ट्रिक, X2Y, और अगर X2Y का पूछा तो फिर से अपन देखते हैं। मैंने बोला y का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मान लिया इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो y को क्या लिखोगे? y को ऐसा लिखोगे ना, 2X is equal to 1Y, क्योंकि ये 1 है यहाँ पे छुपा हुआ, 2X is equal to 1Y, तो y के बारे में लिखोगे y इज डबल ऑफ x, बच्चों ऐसा ही लिखोगे ना। अगर y x का डबल है, y x का डबल है, क्योंकि 2 को 2 × x करते हो तभी तुम्हें 1Y मिलता है, यानी 1Y इज डबल ऑफ x, ऐसा। तो y अगर 6 है तो x क्या रहेगा? x तो उसका हाफ हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर इसका? 3। याद करो, देखो y इज डबल ऑफ x, तो 3 का डबल क्या हो जाएगा? 6, तो इसमें 6 है, ये 3 होगा। समझ में आ रहा है? ऐसे सोचना है तुम्हें, ऐसे तुम्हें सोचना है। ये तीन टाइप का सबको क्लियर है? नहीं सोच पा रहे हो तो तुम्हें रटना पड़ेगा बच्चों, और तुम रट सकते हो तो रट लो, लेकिन मैं ये तरीका जो बता रहा हूं तुम्हें बहुत ईजी रहेगा। XY2 है तो सोचो x जो है वो y का डबल है, तो y का अगर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा x का उतना उससे डबल होगा, लेकिन दोनों सेम है, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होगा, इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आया बच्चों? 6 6 आया। ये सब लोगों ने लिख लिया है, ट्रिक लिख लो सब लोग, बहुत काम आएगा, अभी देखेंगे फॉर्मूला में, देख लिया सबने? अब अपन रब करते हैं, अब हमारा मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर एन ए और सी एल का तो आ गया बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर एन ए और सी एल का आ गया, तो हम क्या करें अब? सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है अपना, डेंसिटी अगर पूछा जाए, डेंसिटी ऑफ NaCl यूनिट सेल अगर ये पूछा तो डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने लिखाया था, याद करो, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इनटू एटॉमिक मास, AM लिख रहा हूं, AW एटॉमिक वेट, अपॉन Na इनटू AQ। सबको पता है, ऐसे लेंथ एग्जाम में देंगे, Na का वैल्यू तुम्हें पता होता है। एटॉमिक वेट का मतलब क्या लिखो लोगे? NaCl का कंप्लीट वेट लोगे, यानी Na का वेट और प्लस Cl का वेट, Cl होता है 35.5 और ये 23, तो क्या हो जाएगा? 58.5 ग्राम लेना है, किसका वेट? NaCl का वेट। Z क्या लोगे? ये इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, और यहां जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम है वो क्या होता है? तुम लिखे थे अभी सबसे पहले Na4Cl4 इज इक्वल टू, अपन ऐसा लिखेंगे 4NaCl, यानी यहां 1 कितने एटम है? 4 एटम है, तो अपने को जेड क्या लेना पड़ेगा? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 4, ये ध्यान में रखना है, जेड फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है NaCl में, सब बच्चे भूल जाते हैं, यहां पे जेड रखना। तो मैंने क्या बोला? तुमने बोला ना Na4Cl4 आया, यानी 4 लेना, ऐसा नहीं करना 4 + 4 = 8 कर देना। क्लियर है सबको? क्योंकि अपने को जो ये जो आया ना, इसे बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट, और 1 फॉर्मूला यूनिट में 4 यूनिट सेल प्रेजेंट है, इसीलिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जो होता है वो 4 लेते हैं।
क्लियर है सबको, ये अपना फर्स्ट NaCl का स्ट्रक्चर आ गया। चार पॉइंट याद रखना है, पहले Na प्लस और Cl माइनस कहां अरेंज होते हैं मैंने बता दिया। सेकंड क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन RNA प्लस और RCl माइनस, उनके बीच का भी रिलेशन बता दिया। थर्ड, कोऑर्डिनेशन नंबर पता होना चाहिए सबको Na प्लस और Cl माइनस का, जो अपने तो हम लोगों ने तरीका सीखा है उसके अकॉर्डिंग। और फोर्थ है डेंसिटी फाइंड आउट करना, सबको आना चाहिए। क्लियर है सबको, अब अपन नेक्स्ट कंपाउंड पढ़ेंगे। नेक्स्ट आयनिक सॉलिड है अपने पास जिंक सल्फाइड ZnS, इसे बोलते हैं जिंक ब्लेंड, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है डायमंड स्ट्रक्चर होता है, डायमंड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसलिए डायमंड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अपन इसके बारे में क्या याद रखेंगे, अब से अच्छे से पढ़ते हैं फिर से सबके बारे में। यहाँ पे कौन सा दो कैटाइन अनायन है, Zn प्लस टू कैटाइन है और S माइनस टू अनायन है, बताओ कौन कहां पे अरेंज होगा। तो Zn प्लस टू क्या है, Zn प्लस टू क्या है, कैटाइन है, और कैटाइन कहां पे होता है, वॉइड में। तो वॉइड में मैंने क्या लिखा हो, इन 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, ये याद रखना पड़ेगा, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते बच्चों। 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड के 50% में Zn प्लस टू अरेंज होता है, क्लियर है। नेक्स्ट S माइनस टू आयन इन FCC, और FCC का मतलब सबको पता है कॉर्नर्स प्लस, अभी बताया था, प्लस फेस सेंटर। और FCC अगर है तो कितना हो जाएगा, ये कितने हो जाएंगे, 4। और तुम्हें पता है FCC में नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, डबल होते हैं, याद है टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है, जितना नंबर ऑफ एटम होता है उसका डबल होता है, मीन्स अगर 4 है तो डबल एटम होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होंगे, और 8 का बोल रहा है 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अगर तुम बोलो 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब क्या हुआ, 50% ऑफ 8, और 50% ऑफ 8 इज इक्वल टू 4, तो Zn प्लस टू भी 4 आया, S माइनस टू भी 4 आया, इसे भी लिखोगे Zn 4 S 4, तो ऐसा लिख सकते 4 Zn S। तो यहां भी फॉर्मूला यूनिट जो है, 1 फॉर्मूला यूनिट में 4 Zn S यूनिट सेल प्रेजेंट है। सबको क्लियर है ये फर्स्ट, तुम्हें ये दो पॉइंट सबको अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा, याद रखो ये दो पॉइंट, ठीक है, ये सबको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एक और पॉइंट अपन डिस्कस क्या करेंगे, यहां पर क्या डिस्कस करेंगे, दो पॉइंट ही आप डिस्कस करना है, ये फर्स्ट पॉइंट अपना और ये सेकंड पॉइंट है। Zn प्लस टू में दूसरा पॉइंट क्या डिस्कस करना होगा कि Zn प्लस टू का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, और S माइनस टू का कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों क्या है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, बताया था Zn प्लस टू कहां पर अरेंज है, देखो पहले टेट्राहेड्रल वॉइड पे अरेंज है, और टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 होता है ना, तो अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और Zn S में Zn 1 S 1 है, तो इनका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना होगा, 4 ही होना होगा, क्योंकि यहां भी स्ट्रक्चर Zn 1 है और S 1 है, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर टेट्राहेड्रल वॉइड का आएगा वही कोऑर्डिनेशन नंबर S माइनस 2 का आएगा। क्लियर है सबको, दो पॉइंट याद रख सकते हो, बताओ ठीक है, अच्छे से याद रख सकते हो, दो पॉइंट अपना इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। क्या बोला, Zn प्लस टू और S माइनस टू आयन कहां पर अरेंज है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या बोला मैंने, Zn प्लस टू का और S माइनस टू आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये ध्यान रखना है। कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो। 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब क्या है, कि जो अपना Zn प्लस टू आयन है वो इस यूनिट सेल में पूरे 100% पे अरेंज नहीं है, जैसे मैंने यहां पे लिखा था Cl माइनस Na प्लस जो था इस केस में 100% ऑफ ऑक्टेहेड्रल वॉइड, जितना भी ऑक्टेहेड्रल वॉइड था सबको ऑक्यूपाई कर लिया था, लेकिन यहां टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है, अगर 8 है तो उसका 4 ऑक्यूपाई करेगा, कंप्लीट ऑक्यूपाई नहीं करेगा, 100% ऑक्यूपाई नहीं करता है, 4 मींस 50% ऑक्यूपाई करता है, इसलिए 8 का 50% 4 आया, तो 4 लिखा मैंने। Zn प्लस टू आयन 4 होगा, S माइनस टू आयन FCC पे, और FCC में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4 होते हैं, इस बेसिस पे ही अपन ने बोला टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स का डबल होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, और नंबर ऑफ एटम्स जितना होता है उतना ही होता है ऑक्टेहेड्रल वॉइड, ये अपन पहले सीखे थे, याद है सबको सब कुछ, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब अपन थर्ड स्ट्रक्चर देखेंगे, थर्ड स्ट्रक्चर बच्चों क्या होगा, थर्ड स्ट्रक्चर देखते हैं, थर्ड स्ट्रक्चर अपने पास CsCl का है, CS सीजियम क्लोराइड का, तुम्हारे एग्जाम में सीजियम क्लोराइड से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, इसलिए अपन डिस्कस करते हैं। थर्ड CsCl, कुछ भी याद नहीं करना है यहां पे, बस मैं दो ही पॉइंट बता रहा हूं यहां पर, कहां पर क्या अरेंज होता है, सीजियम आयन होता है क्यूबिक वॉइड में अरेंज, क्यूबिक वॉइड का दूसरा नाम है बच्चों बॉडी सेंटर वॉइड,
और जो Cl- आयन होता है वो कॉर्नर्स पे अरेंज होता है। तो इसका मतलब अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो बहुत ही इजीली डायग्राम बना सकता हूं यहां पर। कैसे? क्यों, क्या बताया मैंने, यहां जो एटम्स अरेंज हैं Cl- के कॉर्नर्स पे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये सब क्या है, Cl- कॉर्नर्स पे है Cl-। साथ में जो क्यूबिक वॉइड, सेंटर पे जो वॉइड है, सेंटर पे जो बच्चों वॉइड है, ये क्या है, CS प्लस, ठीक है, ध्यान में रखना। इस बेसिस पे तुम एक और रिलेशन यहां बना सकते हो। क्या रिलेशन बना सकते हो मैं बताऊं इसे डिटेल में थोड़ा, क्या क्योंकि एग्जाम में क्या पता एग्जाम में आ जाए ऐसा पार्ट, कि अगर मैं कैसे बताऊं, पहले ये वाला पार्ट रख कर लेते हैं अपन, ये सब लोगों ने लिख लिया होगा। यहां पर सीजियम क्लोराइड का थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम में आया है थोड़ा। अब कैसे, क्या डिस्कस करना अपने को, कि मैंने ये पहला फेस बना लिया, ठीक है, और ये दूसरा फेस बनाया मैंने कुछ यहां पे, ठीक है, दोनों का फेस बनाया। अब इस कॉर्नर को सोचो, इस कॉर्नर को बच्चों इसके कॉर्नर से मैच किया, ठीक है, ऊपर वाले कॉर्नर को नीचे वाले कॉर्नर से, और ये डिस्टेंस तुम्हें पता है कैसे क्या होना चाहिए, ये डिस्टेंस ए है और ये नीचे का फेस है ना, पता है ना, ये तो फेस डायगोनल है ना, अगर ये ए है और ये भी ए है तो ये रूट टू ए होगा, तो ये तो रूट टू ए आ गया, तो ये क्या आ जाएगा, रूट थ्री ए होगा, बताओ, रूट थ्री ए जो कि बॉडी डायगोनल है अपना, ये है क्या, बहुत बार बताया बॉडी डायगोनल, रूट थ्री ए इज बॉडी डायगोनल, और इस बॉडी के डायगोनल के सेंटर पे अपना कुछ वॉइड कौन सा एटम प्रेजेंट है बच्चों, यहां पे सेंटर पे सीजियम आयन प्रेजेंट है, अपन रूट थ्री ए यहां पे रब कर देते हैं, ये सेंटर पे सीजियम आयन है, ठीक है, सेंटर पे सीजियम आयन है। साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी कुछ है कि ये जो एटम है ये अपना सीएल माइनस आयन यहां पर है और ये सीएल माइनस आयन दूसरे कॉर्नर पे, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूं, देखो बस यहां पे सेंटर से अगर मैच करूं तो ये दो पॉइंट और ये थर्ड, ऐसी बात कर रहा हूं मैं इसके बारे में, समझ में आ रहा है क्या। तो अगर तुम इसके कॉर्नर को यहां से यहां मैच करोगे तो रूट थ्री ए आएगा और ये तीनों एटम एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, तो इस बेसिस पे अगर ये बोलो तो रेडियस ऑफ सीएल माइनस आयन होगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, रेडियस ऑफ सीएल माइनस आयन, और यहां सीजियम आयन था तो रेडियस ऑफ सीजियम प्लस आयन, फिर रेडियस ऑफ सीजियम प्लस आयन और फिर रेडियस ऑफ सीएल माइनस आयन, तो क्या लिख सकते हो, 2RCl- + 2RCm+ = √3a, ये वाला इक्वेशन सबका क्लियर है कि नहीं, बताओ, सब लोग बोलो अच्छे से, सबका इक्वेशन क्लियर हुआ, बोलो, ये 2RCl- है रेडियस, ये भी RCl- है, तो 2RCl- लिख लिया। नेक्स्ट ये क्या है, RCs+ सीजियम का ये डायमीटर हो गया ना, ठीक है, तो 2RCs+ लिखोगे ना, ये अगर समझ में आ रहा है ना, एक चीज क्लियर है सबको, ये जो रेडियस लिया RCl- ये RCl- 2RCl- ये RCs+ ये RCs+2RCs+ = क्या लिखोगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस √3a। तो अगर तुमसे इसमें से कुछ भी पूछे एग्जाम में बता सकते हो, और मैं अगर थोड़ा और डिटेल में लिखूं तो RCs+ RCl- = √3a/2 होगा, 2 कॉमन लेकर के इस साइड भेज दिया, तो NaCl का अलग था रिजल्ट और यहां पर CaCl का अलग रिजल्ट है, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर ही बच्चों सेम नहीं होता है। वहां पे सोचो एटम्स कहां कहां पे अरेंज थे, वहां पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे अरेंज थे, सो Na+, यहां पे CS+ एक ही है जो कि बॉडी सेंटर पे अरेंज है, क्यूबिक वॉइड इसलिए बोल रहे हैं, क्लियर है सबको। ये अपना कंप्लीट हुआ थर्ड सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। अभी अपने को और दो स्ट्रक्चर एक पढ़ना है, Na2O का स्ट्रक्चर और CaF2 का स्ट्रक्चर, ये इसके बाद अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं वो दोनों। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है बच्चों कौन सा, CaF2, फोर्थ स्ट्रक्चर है अपने पास CaF2, ठीक है, अपन डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कैल्सियम आयन यहां पर होगा और फ्लोराइड आयन होगा, यहां पे कैल्सियम आयन होगा और फ्लोराइड आयन, ये अपन सोचेंगे कि क्रिस्टल पे ये क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में कहां पर अरेंज है, Ca+2 आयन कहां अरेंज है, F- आयन कहां अरेंज है। तो सोचो कि तुम्हें अभी तक जो भी मैंने क्रिस्टल बताया, जो भी टाइप के सॉलिड बताए, सॉरी आयनिक सॉलिड जो भी बताया मैंने, उसमें याद करो कि जो भी कैटायंस था बच्चों, कैटायंस कहां पे अरेंज था, वॉइड्स पे अरेंज था ना कैटायंस, और कॉर्नर्स पे सेंटर पे क्या अरेंज था अपना, अनायंस था।
वो इस पे मैंने क्यों बोला था रेंज हुआ था कैटायंस, क्योंकि अपना जो कैटायंस होता है वो स्मॉल साइज का होता है। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है जो कि एक्सेप्शन अपना CaF2 है। यहाँ पर कैटायंस जो होता है Ca+2 आयंस जो होता है वो FCC में अरेंज होता है। देखो इन FCC का मतलब क्या होता है, कॉर्नर्स प्लस कैटायंस। देखो कहां पे अरेंज है, कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर। थोड़ा एक्सेप्शन है, एग्जाम में इसलिए आ जाते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये फेस सेंटर। और F- जो होता है बच्चों को कहां पे अरेंज होता है, इन ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड। देखो अनायंस जो अरेंज है वो ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड पे अरेंज है, ठीक है। तो इस और इनका स्ट्रक्चर का नाम है फ्लोराइड स्ट्रक्चर। देखना एग्जाम में जो नाम से आता है एग्जाम में, तुम देखो नीट के एग्जाम में ना ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है, नीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है कि इन फ्लोराइड स्ट्रक्चर कैसे माइन इज अरेंज्ड ऑन एंड फ्लोराइड आयन इज अरेंज्ड ऑन। तो तुम्हें ये सोचना होगा कि यहाँ पे उल्टा है, वॉइड पे अनायंस अरेंज है और FCC में कैटायंस अरेंज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना ये हो गया। और इसके अकॉर्डिंग कितना नंबर ऑफ एटम आता है, 4 आता है, याद है FCC में, तो 4 होगा, FCC = 4। बहुत बार डिस्कस किया है, और टेट्राहेड्रल वॉइड। अब FCC में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, तो 8 होंगे, तो 8 का 8 होगा। याद करो उससे पहले वाला जो स्ट्रक्चर अपन ने डिस्कस किया तो उसका हाफ था, तो 8 का 4 कर दिया था, 50% था तो 4 कर दिया था। यहाँ पे ऑल पूछा है, यानी 100% टेट्राहेड्रल वॉइड पे अपन अरेंज किए हैं फ्लोराइड आयन F- आयन, तो 8 हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या लिखोगे तुम इसे, Ca4F8। तो अपना क्या स्ट्रक्चर आ जाएगा बच्चों बताओ, CaF2 का 4Ca2 आएगा, 4 कॉमन ले लोगे तो ऐसा कुछ आएगा, इसीलिए CaF2 का स्ट्रक्चर ऐसा आता है। अब याद रखो कि CaF2 का स्ट्रक्चर CaF2 क्यों है, CaF2 नहीं लिख रहा है, समझ में आ रहा है क्या, CaF2 नहीं लिख रहा है, क्लियर है, वो ये फॉर्मूला गलत है सॉलिड के रिस्पेक्ट में, क्लियर है सबको। तो अपना ये फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट तो आ गया। सेकेंड पार्ट क्या याद रखना होगा, सेकेंड पार्ट दो ही कंडीशन अपन देखेंगे क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम आयन और फ्लोराइड आयन, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों क्या होना चाहिए। अब कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया अपने पास, और कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी बात करेंगे तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, याद करो अभी बताया था CaF2 है सर, CaF2 को कैसे लिख सकते हैं, XY2, अभी बताया ना, ऐसे सोचोगे CaF2 है, CaF2 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, XY2। सर ने बोला कि अगर Y का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है तो X जो होता है वो Y का डबल होता है, तो ये 12 आएगा, अगर Y का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है तो इसका 8 आएगा, ऐसे ही बोला था ना मैंने। तो CaF2 में अब एक का तो कोऑर्डिनेशन नंबर पता करना होगा, याद करो कोऑर्डिनेशन नंबर Ca+2 और F-2। वॉइड पे कौन अरेंज है, वॉइड पे कौन अरेंज है, वॉइड्स पे एम्प्टी स्पेस पे कौन अरेंज है, और एम्प्टी स्पेस पे टेट्राहेड्रल वॉइड पे अरेंज है F-, और टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर ये F- जो अरेंज है वो टेट्राहेड्रल वॉइड पे अरेंज है, और टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, इसलिए ये क्या आ जाएगा, 4, समझ में आ रहा है क्या। तो अगर मैं XY2 के अकॉर्डिंग सोचू और F का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 आ रहा है तो कैल्शियम का क्या होना चाहिए, तो कैल्शियम इज डबल ऑफ फ्लोराइड ना, ऐसे ही बोलोगे ना, XY2 के अकॉर्डिंग, XY2 के अकॉर्डिंग X इज डबल ऑफ Y, अभी बताया था X = 2Y, तो यहां पे क्या लिखोगे, कैल्शियम = 2F, तो कैल्शियम किसके इक्वल होगा, डबल ऑफ फ्लोरीन के इक्वल, फ्लोरीन को डबल करोगे तो फ्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, 4 था, फ्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कैसे आया, टेट्राहेड्रल वॉइड के रिस्पेक्ट में आया, तो अगर ये 4 है तो ये डबल क्या हो जाएगा, 8, समझ में आया क्या, ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं अपन, नहीं तो नहीं समझ में आया रट्टा मार लो फिर, ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है क्या, कुछ है तुमको रट्टा मारने की जरूरत मुझे लग रहा है नहीं आना चाहिए, थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाओ तो ये वाला पार्ट सबको आना आ जाएगा, ठीक है, अच्छे समझ में आ रहा है, कुछ डाउट है पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट होगा फिर से मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं सोचना कि ये नहीं बता सकता हूं, समझ में आ रहा है क्या, तुम्हारे पास डाउट आए तो वो डाउट भेजो फिर से, मैं तुम्हें ये वाला पार्ट बताऊंगा सही से, लेकिन तुम्हें ऐसा ये दो पॉइंट तो सबको ध्यान में रखना है सबके बारे में, और कैल्शियम फ्लोराइड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, और एग्जाम में 3 से 4 बार एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं दोनों पॉइंट से आ चुका है, ठीक है। अपन लास्ट स्ट्रक्चर देखेंगे, अब लास्ट स्ट्रक्चर अपने पास Na2O, ठीक है बच्चों, अब Na2O का भी देख लेते हैं पार्ट, Na2O जो होता है 5th, ये जो होता है स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर एंटी फ्लोराइड टाइप का होता है, एंटी फ्लोराइड इसे बोलते हैं, मीन्स फ्लोराइड का जस्ट ऑपोजिट स्ट्रक्चर होता है, ऑपोजिट क्यों बोल रहा हूं, एंटी फ्लोराइड क्यों बोल रहा हूं, वो रीजन तुम्हें समझ में आ जाएगा। यहां जो Na+ होता है बच्चों, इन ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड, इन ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड, और O-2 जो है वो कहां पे अरेंज है पता है, इन FCC,
और एफसीसी अगर बोला तो कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, और अगर ये लिखा मैंने तो तुम्हें पता चल जाएगा नंबर ऑफ एटम फोर, और टेट्राहेड्रल लिखा तो एट, तो एन ए एट ओ फोर, कैसा लिखोगे एन ए टू ओ। क्लियर है सबको, कैसे फास्ट फास्ट कर रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है क्या? टेट्राहेड्रल वॉइड बोला, एफसीसी पे बोला, एफसीसी पे नंबर ऑफ एटम्स फोर होते हैं, अगर नंबर ऑफ एटम्स फोर है तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा, एट होगा, तो एट होगा टेट्राहेड्रल वॉइड, और अपना एफसीसी पे नंबर ऑफ एटम्स फोर है तो एन ए एट ओ फोर, इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन ए टू ओ। अब याद रख, इन दोनों को मैच करो, तुम्हें एक स्ट्रक्चर पता है दूसरा स्ट्रक्चर खुद से पता चल जाएगा। देखो कैल्सियम आयन इस केस में जो कैटायन था वो एफसीसी में था, इस केस में अनायन एफसीसी में है, ठीक है। दूसरी बात एफ माइनस, इस केस में जो अनायन है वो टेट्राहेड्रल वॉइड पे है, इस केस में जो कैटायन है वो टेट्राहेड्रल वॉइड है, जस्ट उल्टा हुआ ना, जहां पे कैटायन था वहां अनायन आ गया, जहां पे अनायन था वहां कैटायन आ गया, इसलिए ये दोनों फ्लोराइड, अगर इसे बोल रहे तो इसे एंटी फ्लोराइड बोलते हैं। तो एग्जाम में ध्यान रखना इनका CF2 एग्जाम में नहीं देंगे, तुम्हें देंगे फ्लोराइड नेम लिख करके, Na2O नहीं देंगे, एंटी फ्लोराइड देंगे। तुम लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करोगे नीट का तो तुम्हें एंटी फ्लोराइड और फ्लोराइड स्ट्रक्चर दिखेगा। क्लियर है सबको? अब अपन देखते हैं इनका सेकंड लास्ट पार्ट, सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट था कोऑर्डिनेशन नंबर, सब लोग फाइंड आउट कर सकते हो, करो बताओ। Na+ का अगर पूछा जाए, O-2 का पूछा जाए, Na+ कहां पर है बच्चों, टेट्राहेड्रल वॉइड पे है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, फोर। O-2 कहां पे है, अगर Na2O में Na का अगर 4 आया कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ऑक्सीजन क्या है, डबल ऑफ सोडियम ना, तो क्या होगा, Na का जस्ट डबल हो जाएगा ना, तो क्या लिखोगे, 1। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या सबको, बोलो समझ में आया, समझ में आया सबको, अच्छे से आया, क्लियर हुआ ये वाला पार्ट, दोनों क्लियर है हुआ सबको, ठीक है, याद रख सकते हो। अपन एक कॉलम भी बना सकते हैं, लेकिन तुम्हें ये पांच जो कि 5 टाइप के आयनिक सॉलिड बताया, ध्यान से कॉलम बना करके तुम्हें अच्छे से ध्यान देना है। तुम्हारे अगर स्टेट बुक की बात करूं तो दिया नहीं है, एनसीईआरटी में भी अच्छे से डिटेल में दिया नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, तो अपन याद रखेंगे इस तरीके से जिससे मैंने बताया, जैसे जैसे ट्रिक बताया तुम्हें वो फॉलो करो। दो बातें ध्यान रखना, एनएसीएल वाला पार्ट जितना भी बताया सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आए हैं, और CAF2 वाला पार्ट भी, मैंने देखो 5 नहीं ऐसे 10 स्ट्रक्चर्स बताते हैं, 10 स्ट्रक्चर्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ना वो मैंने तुम्हें ट्राई किया बताने का, क्योंकि ये एग्जाम तुम्हारे बुक में दिया हुआ नहीं है सबके बारे में, ठीक है, 2-3 ही दिया है, इसलिए अपन इतना तो याद रख सकते हैं। क्लियर है सबको, ये आयनिक सॉलिड के बारे में अच्छे से ध्यान रखना है, सबको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर होगा अपना डिफेक्ट, सॉलिड में जो कुछ डिफेक्ट आ जाती है वो डिफेक्ट पढ़ेंगे, और फिर थोड़ा सा पॉइंट पढ़ेंगे, तो डिफेक्ट होने के बाद अपना कंप्लीट हो जाएगा पार्ट सॉलिड स्टेट। तो अपना जो लास्ट लेक्चर होगा, इसके बाद वाला लेक्चर होगा वो लास्ट होगा, क्लियर है, उसके बाद अपन एमसीक्यू डिस्कशन का एक लेक्चर लेंगे, एमसीक्यू सारे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।